बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सरस किचन। आज मैं आपको दही चना चाट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त सी बनती है, बहुत ज़्यादा इजी है उसको बनाना। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। उसके लिए ले रहे हैं हम 2 से 3 अदर मीडियम साइज़ आलू और उसको बॉयल करके क्यूब्स में काट लिया। 1 टमाटर बड़ा साइज़ का और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, उसे भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और उसको भी मैंने काट लिया बारीक बारीक। थोड़ी सी पापड़ी, 1 टेबलस्पून में चटनी का, यानी जो हम धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चें डाल के जो हम बनाते हैं चटनी के लिए, सिर्फ दही ऐड नहीं किया, वो मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा जायका आता है। 1 टेबलस्पून मैंने भर के चाट मसाला ले रही हूँ। नमक हंस पे जायका, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च नहीं पसंद करते तो आप चाट मसाले की क्वान्टिटी को ज़्यादा कर दें, और चाट मसाला नहीं पसंद करते तो लाल मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, लेकिन चाट मसाला थोड़ा ज़रूर डालिएगा, उससे ज़रा बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही हम ले रहे हैं 1/2 kg दही, और मैंने इसको फेंट लिया अच्छे से अच्छे तरीके से। और 4 कप मैं बॉयल चना ले रही हूँ, उसको मैंने बॉयल कर लिया था। आइए अब रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चनों में सारे इन्ग्रीडियंट्स को ऐड करते जाते हैं। इसमें डाल लेते हैं प्याज, टमाटर, साथ ही हम इसमें बॉयल आलू ऐड कर लेते हैं, लेमन जूस, लाल मिर्च, चाट मसाला, सब्ज मिर्च, नमक, और आखिर में हम इसमें डाल लेते हैं चिट्टी मसाला। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चाट मसाला और मिर्चें जो हैं वो आप बाद में इसको यहाँ इस तरह टेस्ट कर लीजिएगा दही डालने के बाद, उस लास्ट से फिर इसको ऐड कर लीजिएगा। अगर आप चटनी का मसाला ऐसे नहीं डालना चाहते तो 2-3 टेबलस्पून में दही ऐड करके उसमें दही ऐड कर दें 2-3 टेबलस्पून, और उसके बाद उसमें ऐड कर दें। वैसे हमें इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, वो अच्छे से सब जगह मिक्स हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है उस चीज़ का। ये देखें, बस अच्छे से मिक्स हो चुका है। जी ये देखें, होगी हमारी चाट मिक्स। अब इसको हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब इस तरह के बाउल में, क्योंकि चाट बहुत ज़बरदस्त ही लगती है इस तरह लंबे में, अगर आपने जिसमें मैंने मिक्स किया इस तरह के बाउल में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सारी चाट को हम इस बाउल में डाल देते हैं। जी ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ी सी पापड़ी में ऊपर अभी डाल रही हूँ, फिर दही डालेंगे, क्योंकि मुझे पापड़ी ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे। दही को आपने याद रहे बहुत अच्छे से फेंटना है, ये ना हो आप इसको ऐसे फेंटें कि ये इसमें जो दाने दाने से रह जाते हैं, यानी लम्स रह जाते हैं, वो ना हो। अब आराम आराम से आपने दही को इस तरह सारी चाट में, अब आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ ऊपर रहेगा या इस तरह आहिस्ता खुद ही नीचे चला जाएगा, सारी जगह आप इस तरह पोर कर दें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देते हैं गार्निशेस के लिए, वरना आप पुदीना डालें, मेरे पास अभी नहीं है, वरना पुदीने का तो मुझे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगता है, हल्का हल्का कटा हुआ, ताकि ज़रा खूबसूरती भी आनी चाहिए, गेस्ट को इम्प्रेस भी तो करना होता है। ये आप इफ्तारी में भी बना सकते हैं, उसके लिए ये करना होगा, चनों को बॉयल करके आप छोटे छोटे पैकेट्स जितने आपके घर में मेम्बर्स हैं उस लिहाज से आप रख दें बॉयल करके, और जब दिल चाहे पैकेट निकाला और चाट बना लिया चटपट सी। जी अब इसके ऊपर हम पापड़ी डाल लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रही है, देखिए देखने में भी इतनी ज़बरदस्त लग रही है। हल्का सा ऊपर मैं चाट मसाला दोबारा से स्प्रिंकल कर रही हूँ, हल्का हल्का। इसके ऊपर आप टमाटर स्टाइलिश फॉर्म में काट के भी रख सकते हैं, सब्ज़ मिर्च भी रख सकते हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए। जी अब मैं आपको दिखा दूँ कि नीचे तक दही कैसे गया है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को कि ये देखें पूरी जो सरफेस है बॉटम तक चला गया। इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी कि इस तरह दही डालने से हाँ दही तो नीचे गया ही नहीं होगा, ये बहुत ज़बरदस्त ऐसे बनती है, दही भी अच्छे से सब जगह मिक्स हो जाता है और जायका में भी बहुत ज़बरदस्त है। चलिए आइए अब हम आपको ट्राई करके दिखाते हैं कैसे है। उसके लिए आपने क्या करना होगा, इस तरह एक साइड से ये उठाया, देखें चाट मिक्स है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, ये देखिए जी अब हम इसको टेस्ट करते हैं।
जबरदस्त, मिर्ची, नमक, एवरी थिंग इज परफेक्ट, इतना ज़बरदस्त टेस्ट। नींबू का और वो जो चटनी का हमने मसाले डाला था, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आप भी ये ज़रूर बनाइए, अपने गेस्ट को इम्प्रेस कीजिए, अपनी इफ्तारी को ज़बरदस्त बनाइए। इसी तरह मैं चलती हूँ, नेक्स्ट आऊँगी नई वीडियो के साथ। लेकिन इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ छोटी सी जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।